मॉम फूड डायरी को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर टैप करें लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम फूड डायरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्वीट की रेसिपी जो ठंडी की मौसम में बहुत लाभदायक होती है। ये है खशखश का हलवा, हमने बनाया हमारे स्टाइल से। तो एंड तक देखिएगा, रेसिपी बहुत ही टेस्टी बना है। जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, जो तरीके से हमने बनाया है, यहाँ पे देखिए जो खशखश का हलवा होता है पॉपी सीड्स का। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पे हमने पॉपी सीड्स को रोस्ट कर लिया है 3 मिनट तक पैन में। 3 मिनट तक हमने खशखश को रोस्ट करने के बाद, उसको कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद उसको वॉश कर लेंगे। तो एंड तक देखिएगा रेसिपी को। यहाँ पे देखिए, तो हमने इसको एक बोल में कलेक्ट कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है दोस्तों। पहले आपको खशखश को रोस्ट करना पड़ेगा भून के लेने के बाद। उसको हम धो लेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद उसको पानी में भिगो कर रखेंगे 2 घंटा। आप उसको चाहिए तो रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे धो लिया है उसको, खशखश को इस तरीके से हम धो लेंगे और उसको पानी में भिगो कर रखेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ 2 घंटा रखा है इसमें पानी में भिगो के इसको। तो ये खशखश का हलवा बहुत ही टेस्टी बना है, यकीन मानिए। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, और सर्दी के दिनों में तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये। तो यहाँ पे हमने उसको 2 घंटा ढककर रखा है खशखश को, और ये है बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो मैं आपको बताऊंगा अभी इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपको बता था, हम जो खशखश है पॉपी सीड्स, हमने 100 ग्राम ली है, और जो हमने चिरौंजी ली है इसमें, जो जिसको चारोले भी बोलते हैं, ये हमको लगेगी 25 ग्राम। दोस्तों जो खशखश होता है, खशखश की जो खासियत होती है वो गर्म होती है, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है। दूध, चिरौंजी और जो घी हमने यूज़ किया है उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ किया है। और खवा भी, यहाँ पे देखिए खवा भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये हमने गुड़ लिया है, ये हमने सादा गुड़ लिया है 150 ग्राम, और हमने यहाँ पे 3 ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इसमें। हमने थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और ड्राइड डेट्स, यानी कि जो खारीक होती है सूखी खजूर, वो ले ली है। तीनों को चॉप कर लेंगे हम, और इसमें हमको लगा है 125 ग्राम बटर, यानी कि क्लेरिफाइड बटर जो होता है, घी होता है, हमको 125 ग्राम घी लगेगा इसमें। और यहाँ पे देखिए, ये खवा 125 ग्राम खवा है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, दूध, चिरौंजी और जो हमने बाकी चीज़ें थोड़े बैलेंस करने के लिए जो ली है, जिसकी खासियत ठंडी होती है, और जो खशखश होता है उसकी खासियत गर्म होती है। तो हमने उसको बैलेंस करने के लिए बनाया है, और बहुत ही टेस्टी हलवा बना है। सबसे पहले हम एक पतीले में गुड़ डालेंगे और उसको गुड़ का घोल बना लेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ हमने यहाँ पे देखे खोआ को थोड़ा धो लिया है, उसके बाद हम उसको ग्रेट करके, यानी कि खिस करके एक प्लेट में रख लेंगे। और हम दूसरी तरफ एक जार में जो हमने पॉपी सीड्स को रोस्ट करके भिगो के रखा था वो डालेंगे, और थोड़ा सा पानी, पानी नहीं यहाँ पे डालेंगे, थोड़ा सा दूध। हमको पानी बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा दूध डाल के हम उसको ग्राइंड कर लेंगे और बीच में चेक भी करेंगे। और यहाँ पे देखिए, पिघल चुका है गुड़, गुड़ का घोल तैयार हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ा सा और दूध डालेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे, ताकि हमको उसका एक पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट हो चुका है हमारा तैयार, अब हम इसको एक बोल में कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमने इसका पेस्ट बना लिया है खशखश का, पॉपी सीड्स का। दोस्तों ये कंप्लीट मेथड आप फॉलो कीजिएगा, ज़रूर बनाइए इसको, बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब हमने एक पैन गरम कर दिया है, उसमें से सिर्फ 1/2 टेबल स्पून घी यूज़ करेंगे, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो सभी को हम रोस्ट कर लेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम चारोली को, जो चारोली होती है, जो चिरौंजी होती है, उसको हमने रोस्ट कर लिया है, उसको वापस निकाल लेंगे। और ठीक उसी तरीके से जो हमने बादाम, काजू और जो ड्राई डेट्स, जो खारीक होती है, उसको भी हम उसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे 10-15 सेकेंड, और उसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमको रेसिपी के अंदर और उसके एंड में हम जब गार्निश करते हैं तब ज़रूरी होगा। और यहाँ पे देखिए, हमने इसको फाइनली एक पैन गर्म करके हमने जो घी डाल दिया है उसमें, और जो हमारा खशखश का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून हमने घी अभी यूज़ किया है। दोस्तों अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें, ताकि आपको लेटेस्ट मैं जब भी नई रेसिपीज अपलोड करता हूँ तब आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है। जैसे मैं आपको आपके लिए लाता हूँ रेसिपीज, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके टैप करें बेल आइकन पर। तो यहाँ पे देखिए, हमने उसको पैन में हमने खशखश का पेस्ट डाल दिया है, उसको हम घुमाते हुए पकाते रहेंगे। और उसके बीच में अब हम डालेंगे इसमें जो ग्रेटेड खोआ है,
वो हमको इसमें ऐड करना है। दोस्तों हमने दूध की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है क्योंकि हमने इसमें खोआ लिया है इसलिए, और यहाँ पे हम इसको 15 मिनट तक ऐसे घुमाते हुए पकाएंगे। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा जो घी है वो ऐड करते रहेंगे इसके बीच में, तो 15 मिनट हमको उसको मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है। इस तरीके से ये हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें डालेंगे दूध और उसको फिर से पका लेंगे। यहाँ पे देखिए पैन छोड़ चुका है, तो अब हम डालेंगे इसमें दूध। दूध ऐड करने के बाद भी आपको 20 मिनट तकरीबन पूरी आंच पे पकाना है। जैसे मैं आपको बता था बीच बीच में हम उसके घी ऐड करते रहेंगे, तो हमने दूध डाल दिया है, पूरी आंच पे इसको पका रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए पैन छोड़ने लगा है, ये हलवा बिल्कुल तैयार हो रहा है हमारा, तो हम उसको फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे। हमको 20 मिनट जैसे पकाना है उसके पूरी आँच पे, इसके बीच में हम घी डाल रहे हैं ये, और उसके बाद हमने डालेंगे सभी जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, एलमंड्स जो चारोली और जो कैशू लिए हमने वो डाल देंगे उसमें, और डालेंगे उसमें इलायची पाउडर। हमको उसमें 1 स्पून इलायची पाउडर भी लगाया है, तो हम उसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम बाकी ड्राई फ्रूट्स अभी ऐड करेंगे, थोड़े हम गार्निश के लिए रखेंगे। सबसे आखिर में हम डालेंगे जो गुड़ का घोल है वो ऐड में करेंगे हम आखिर में। तो हमने अभी डाल दिया इलायची पाउडर, यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली ये छोड़ चुका है पैन को। अब यही वक्त है जब हम डालेंगे इसमें जो गुड़ का घोल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बहुत ही लजीज और टेस्टी बनी है, जो हलवा बनाया खशखश का, ज़रूर ट्राई करें इसको सर्दियों के मौसम में। तो हम इसको धीरे धीरे से ऐड करेंगे ताकि जो इम्प्योरिटीज होते हैं जैगरी की गुड़ की वो पतीले में रह जाती है, और ये गुड़ पूरा हम पैन में डालेंगे, गुड़ का जो घोल है। हम उसको अभी फाइनली 15 मिनट तक उसको पूरी आंच पे पका लेना है हलवे को, तो ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बीच में हम फाइनल 1/2 टेबल स्पून घी और डालेंगे, और उसको टोटली 15 मिनट तक पूरी आंच पे पकाना है आपको, और 1 मिनट तक फाइनली पकाने के बाद घुमाते हुए ये हमारा हो जाएगा हलवा तैयार। इसको अब हम गर्मा गर्म परोसेंगे। दोस्तों ये ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी, हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा। आपको अगर कोई आपके कोई डाउट्स है तो ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे हम उसको ऊपर से गार्निश करेंगे। तो ये हमारा खशखश का हलवा बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। ये हमारे एक व्यूवर की रिक्वेस्ट थी बनाने के लिए ये रेसिपी को, तो हम ऊपर से एडिशनल, ये ऑप्शनल है ऊपर से घी डालना, यहाँ पे हमने डाल दिया थोड़ा सा घी, और ये हो चुकी है तैयार। दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। हमारे बाकी रेसिपीज़ भी चेकआउट कीजिए और बनाते रहे रेसिपीज़ को। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।